फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊँगी अपनी वीडियो में अदरक के बारे में। देखिए, अदरक को तो सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसके खाने के ऐसे ऐसे फ़ायदे बताऊँगी कि आप जानकर चौंक जाएंगे। अदरक फ्रेंड्स हमारे सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है या नहीं होती है, ये सब मैं अपनी वीडियो में आज आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अदरक एक मसाला ही नहीं होता, ये किसी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अदरक में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सभी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अदरक को या तो हम ऐसे ही भी खा सकते हैं या फिर उसे सुखाकर भी खा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में तो बहुत अदरक आती है, लेकिन गर्मियों में अदरक नहीं आती है। तो हम जो सर्दियों में अदरक आती है उसको भी सुखाकर हम गर्मियों में उसका यूज कर सकते हैं। अदरक जो होता है फ्रेंड्स, वो कई प्रकार की रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमारी पाचन क्रिया को भी सही बनाता है, इसलिए हमें अदरक का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट फ्रेंड, अदरक खांसी में बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होता है। अगर आपको खांसी हो गई है तो आप अदरक खाइए, आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अदरक खाना किस तरह से है। देखिए फ्रेंड्स, अदरक को खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको खांसी में कैसे खाना है। आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है फ्रेंड, तो अब अदरक को क्रश कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। इसके ऊपर भी पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि सर्दी खांसी में कैसे आप अदरक ले सकते हैं या आपको सर्दी खांसी में क्या लेना चाहिए, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है कि आप कफ, सर्दी जुकाम में सबसे ज़्यादा क्या खाएं। देखिए फ्रेंड्स, खांसी के लिए आप अदरक को क्रश कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए, उसमें आप शहद, आपने एक चम्मच अदरक का रस लिया है तो आप उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए और उन दोनों को मिक्स करके खाइए। आप अगर ये काम आप दिन में 5 से 6 बार करती हैं तो आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक होने लगेगी। तो ये खांसी के लिए अदरक बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, आप अदरक का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। सेकंड टिप्स है फ्रेंड्स मेरी कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें भूख नहीं लगती होगी, खाना देख कर खाने का मन नहीं करता होगा, तो आप अदरक के पीस कट कर लीजिए और उसको नमक के साथ खाइए, आपकी भूख बढ़ जाएगी और आपको जल्दी से जल्दी भूख लगने लगेगी। और टिप्स है फ्रेंड्स मेरी, पाचन क्रिया को सही कैसे करें। पाचन क्रिया को सही करने में भी अदरक बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। आप अदरक, नमक, नींबू इन तीनों को मिलाकर खाइए, इससे हमारी पाचन क्रिया जल्दी से सही हो जाएगी। अगर आप अदरक ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप अदरक का रस ले लीजिए और उसमें आप नींबू और नमक मिला लीजिए और उसको खाइए। इन तीनों को मिलाकर आप रात में भी खा सकते हैं, जिससे सुबह तक आपका पेट बिल्कुल सही हो जाए और आपकी पाचन क्रिया एकदम सही से चलने लगे। तो ऐसे आप पाचन क्रिया को सही करने में भी अदरक का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स सर्दी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सर्दी, कफ जमना, इन सब के लिए अदरक बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं और खाते भी हैं। तो अदरक तो सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। जैसे कि आपको सर्दी हो गई है, गले में कफ जम गया है, तो आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं, आप अदरक का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। अदरक का काढ़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स आप लौंग, काली मिर्च, अदरक, अदरक को आप क्रश कर लीजिए पानी में, आप पानी को बॉईल करने रख दीजिए, उसमें आप अदरक क्रश करके डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए कूटकर, काली मिर्च, और आप इसमें डाल दीजिए तुलसी के पत्ते इस, और फिर जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, पानी जैसे आपने 1 कप रखा है तो वो 1/2 कप रह जाना चाहिए, उसके बाद में आप पानी चलनी की सहायता से आप फ्रेंड उसको पानी को छान लीजिए, उसके बाद में आप उसे पीजिए। अगर आपको वो टेस्टी नहीं लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का नमक भी मिला सकते हैं, इससे पानी भी आपको अच्छा लगने लगेगा और आपकी सर्दी खांसी भी जल्द ठीक होने लगेगी। तो अदरक ऐसे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। आप अदरक को और भी कई तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, आप अदरक की चटनी भी बना सकते हैं। जैसे कि आप अदरक को
क्रश कर लीजिए और उसके उसको तवे पर डाल दीजिए। क्रश करने के बाद में आप तवे पर अदरक को भूनते रहिए और उसमें आप डाल दीजिए शहद, और फिर उसके बाद में शहद को भी उसमें मिक्स कर दीजिए। और फिर उस जो हम जो शहद मिक्स करेंगे तो वो चटनी जैसी एक बन जाएगी, उसे आप खाइए। वो भी खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है और जिससे हमारे गले में कफ भी नहीं जमता है। और आप सर्दियों में अदरक की चाय पीजिए तो आपको कभी भी सर्दी जुकाम कफ जैसी समस्या होगी ही नहीं। फिफ्थ टिप्स है फ्रेंड्स मेरी कि आप अदरक का यूज मोटापे को कम करने के लिए भी कर सकती हैं। ये समस्या आज के लोगों के लिए आम समस्या बन गई है। मोस्टली हर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जैसे 100% में से 90% लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उनका मोटापा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी आप अदरक का यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसलिए हमारे शरीर में मोटापे को कम करती है। आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड, आप अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। काटने के बाद में आप इसको बॉईल कर लीजिए। आप जैसे 1 गिलास पानी बॉईल करने रखिए और उसमें आप 1 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप पीस पीस में कट करके आप पानी में बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, पानी को इतना बॉईल कीजिए कि पानी 1 गिलास की जगह आधा गिलास ही रह जाए। उसके बाद में उस पानी को आपको कम से कम दिन में 2 बार तो पीना ही है। आप सुबह उठिए तब पीजिए और रात को सोते टाइम भी आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। और ये प्रक्रिया कम से कम आपको 2 महीने तक करनी है। देखिए, बस सिर्फ अदरक का पानी पीने से तो हमारा मोटापा जल्दी से कम नहीं होने लगेगा, इसके लिए तो हमें और भी चीज़ करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैंने भी अपना वेट लूज़ किया था। मैंने सिर्फ अपना वेट लूज 1 महीने में कम किया था और मैंने इतना कम कर लिया था कि जितना मेरे लिए सफिशियंट था। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाने पीने में छोड़ा था, मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी नहीं की थी। अगर वेट लूज करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की थी, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब मैं YT पर नहीं थी, उससे पहले ही मैंने अपना वेट लूज़ किया था। मैंने सिर्फ 1 महीने ही किया, उसमें ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल गया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। तो अगर आप लोग मुझे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, आप अदरक का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि अदरक हमारे लिए कितनी गुणकारी होती है। अगर जो लोग अदरक नहीं खाते हैं वो ज़रूर खाइए। फ्रेंड्स, जो हमारे हार्ट के रोग होते हैं या डायबिटीज होती है, उनके लिए ब्लड प्रेशर होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये सर्दियों में तो मोस्टली सभी को अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए, अदरक जरूर खाना चाहिए, अदरक का यूज आपको मोस्टली करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आ पाऊँगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।